माँ गंगा के किनारे स्थित एमवी कॉलेज बक्सर, यानी कि महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर। ये कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के। ये इसकी सुंदर झांकी है, आकाशीय दृश्य। और यहाँ पर आज हमारे प्रधानाचार्य के द्वारा जो अभिव्यक्ति दी गई है, भाषण दिया गया है 26 जनवरी के अवसर पर, उसको सुने। माँ गंगा के पवित्र तट पर स्थित इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला में ठंड के थपेड़े को नजरअंदाज करते हुए इस महाविद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस की पावन बेला में उपस्थित हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष हमारे बड़े भाई एवं अभिभावक श्री टी एन पांडे जी, भौतिक विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष हमारे बड़े भाई एवं अभिभावक डॉक्टर श्याम जी मिश्रा जी, श्री हरिद्वार तिवारी जी और महाविद्यालय में महाविद्यालय के विकास के लिए रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी सतत प्रयासरत जयराम सिंह जी, हमारे विद्वान शिक्षक बंधु, प्रिय कर्मचारी बंधु एवं समुपस्थित महाविद्यालय परिवार के सदस्य एवं अन्य, आज हर साल की भांति इस बार भी इस गणतंत्रता के शुभ अवसर पर इस तिरंगे झंडे के सामने हम सभी इस झंडे का को सलामी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसका कारण यह है कि आज ही के दिन सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, तो हमें लगा कि हमें वास्तविक आज़ादी मिली है और हमारा देश विश्व के मानचित्र पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमें यह गणतंत्रता, यह आज़ादी कोई भिक्षाटन में प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हमारे देश के अमर वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। उनके कुर्बानी के बल पर भारत माता का गोद अपने ही वीर सपूतों के रक्त से रक्तरंजित हो गया और उस बलिदान की कीमत पर हमें यह आज़ादी मिली है। तो हमें आज इस गणतंत्रता के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेना होगा इस आज़ादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमें भी सतत प्रयासरत रहना होगा और साथ ही यह आज़ादी हमें मिली है अपने कर्तव्य को समय पर अनुशासित ढंग से पालन करने के लिए, ताकि हम देश का नव निर्माण कर सकें। यह आज़ादी हमें अनुशासन की अवहेलना के लिए नहीं मिली है, बल्कि इसलिए मिली है कि हमें जो कर्तव्य निर्धारित है उसका समय अनुसार अपने तन्मयता के साथ, लगनशीलता के साथ उसका पालन करें और देश का नव निर्माण कर सकें। हम देश का नव निर्माण अपने कर्तव्य के माध्यम से करेंगे। इस समय महाविद्यालय के सामने एक ज्वलंत चुनौती है नए की ग्रेजुएशन के लिए। तो पहले से भी पूर्व प्रधानाचार्य के समय में भी प्रयास हुए हैं और अभी भी प्रयास चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अभी जिस क्रम में हम लोग का प्रयास जारी है
हम लोग शीघ्र ही इससे साथ की तैयारी करने के बाद आईक्यूएसी अपलोड करेंगे। और इस संबंध में आपको हम बता देना चाहते हैं, अभी AISHE पोर्टल पर एक महाविद्यालय का डाटा अपलोड करना था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम था, लेकिन ये काम हमारे महाविद्यालय ने हमारे कर्मचारी हमारे लेखापाल की तन्मयता, लगनशीलता, कर्तव्य परायणता, सच्चाई के कारण ये काम हो और AISHE पोर्टल पर अपलोड हो गया। उसका एक्सेप्टेंस भी हमारे व्हाट्सएप पर आ चुका है। जब विश्वविद्यालय मुख्यालय के चार जो पुराने कॉलेज है उनका भी अपलोड नहीं हो सका है, तो उसके लिए हम अपने इस लेखापाल श्री चिन्मय प्रकाश झा और संतोष जी, जिन्होंने बड़ा दिन की छुट्टी को भी छुट्टी के रूप में नहीं बल्कि महाविद्यालय में आकर 6 बजे शाम तक काम किए, इसके लिए इनको हम साधुवाद को धन्यवाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी शिक्षक और कर्मचारी यदि समय सीमा के अंतर्गत अनुशासन का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो न्याय की मान्यता हमें निश्चित रूप से मिलेगी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक आपके किसी भी समस्या का संबंध, मैं उसका हल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और गणतंत्र दिवस के पहले हमारे कर्मचारियों की मांग थी वर्दी का, हमने इनको वर्दी भी दे दिया। इसके द्वारा शिक्षकों की समस्याओं के लिए या जो भी कर्मचारियों की समस्या है उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और भविष्य में भी कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा। धनी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। सभी आदरणीय आगंतुकों से मेरा सागर अनुरोध होगा कि सभी हमें सभागार में चलेंगे, कुछ जलपान प्रसाद की व्यवस्था है उसको ग्रहण करते हुए इसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद।